हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी कॉलर वाला बंद गला बनाने का तरीका। इसको हमें तबीजी वाला गला भी बोलते हैं। ये देखिए, मैंने कुर्ती पहले कट कर रखी है। इसका तीरा मैंने, ये कुर्ती 12-13 साल की बच्ची की है, इसलिए इसका तीरा मैंने 6.5 इंच रखा है और यहाँ से आर्म होल 5.5 इंच। ठीक है, बंद गले में तीरा बड़ाई होता है। ठीक है, और अब मैं इसका गला कट करूंगी। यहां से मैं 2.5 इंच लूंगी, ये बच्चे का है इसलिए 2.5 इंच रखूंगी, नहीं यहां से 3 इंच रखना होता है। और इसी प्रकार नीचे से भी मैं 2.5 इंच रखूंगी, और बड़े का हो तो 3 इंच रखेंगे। अब इसको मैं गोलाई में कट कर दूंगी इस प्रकार से। अब मैं बिल्कुल सीधा निशान लगाऊंगी, ये देखिए, बीचों बीच इस प्रकार से, और कुर्ती को सीधा कर लूंगी इस प्रकार से, और निशान को गहरा कर दूंगी। ये देखिए, एक निशान बिल्कुल इसके पास लगाऊंगी। ये देखिए, और इसकी लंबाई मैं रखूंगी 7 इंच इस प्रकार से। अब इसको मैं, ये जो दो निशान लगाए हैं इनके बीचों बीच कटिंग करूंगी। ये देखिए इस प्रकार से, मैं पीछे वाला हिस्सा लूंगी और इसका भी गला कटिंग करूंगी। यहां से मैं 2.5 इंच रखूंगी, और इसकी लंबाई सिर्फ 1/2 इंच रखूंगी। बड़े का कट करना हो तो ये लंबाई 1 इंच ही रखेंगे, और इसको कट कर देंगे। ठीक है, अब मैं ये एक बुकरम लूंगी, ये 8 इंच की ले रखी है मैंने, एक निशान 7 इंच पे लगाऊंगी। ये देखिए, और इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 1 इंच, 7 इंच के बाद वाले निशान तक यहां से इस प्रकार से पकड़ते हुए मोड़ लूंगी, डबल फोल्ड करूंगी। और ये जो मैंने निशान लगा रखा है, इसके बाद में कुछ इस प्रकार से, ये देखिए, शेप दे दूंगी। ठीक है, अब मैं ये दो पट्टियां कट करूंगी, और एक पट्टी के साथ इस बुकरम वाले हिस्से को इस प्रकार से मिलाते हुए सिलाई लगाऊंगी। ठीक है, ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली। ये सिलाई मैंने जो ये 7 इंच वाला निशान लगाया था यहां तक लगाई है। अब इसको इस प्रकार से फोल्ड करूंगी, और एक सिलाई इस साइड किनारी पे लगा दूंगी। ठीक है, ये देखिए मैंने दूसरी साइड भी सिलाई लगा दी। अब मैं दूसरी पट्टी लूंगी और इसको डबल फोल्ड करूंगी इस प्रकार से, और जो ये दाई साइड वाला हिस्सा है ये कट कर रखा है, इस साइड ये पट्टी में लगाऊंगी कुछ इस प्रकार, इसके नीचे रखते हुए। ये देखिए, और इसको इस प्रकार से मोड़ते हुए बिल्कुल सीधी लगा दूंगी ये पट्टी। ठीक है, ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली। अब मैं ये दूसरी पट्टी तैयार की थी वो लूंगी, और जो ये बंधा हुआ कपड़ा है ये एक पैर का मार्जिन रखते हुए बचा हुआ कपड़ा निकाल दूंगी इस प्रकार से, और यहां से जो ये बंधा हुआ कपड़ा है इसको भी मैं निकाल दूंगी।
ठीक है। और मैं ये पट्टी दाई साइड वाले हिस्से पे नीचे की साइड रखूंगी इस प्रकार से, ये देखिए, और सिलाई लगा दूंगी। ठीक है, ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी। अब मैं इसको पट्टी को ऊपर की साइड करूंगी, ये देखिए, और यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी, यहाँ तक सिलाई लगा लूंगी। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ तक सिलाई लगा ली। अब इस पट्टी को दूसरी साइड वाली पट्टी पे इस प्रकार से रखूंगी, ये देखिए। और जो मैंने बुकरम के कोने बनाए थे उनको नीचे से इस प्रकार से मोड़ूंगी, ये देखिए, बुकरम के हिसाब से इसकी शेप दे दूंगी। ये देखिए, और यहां से सिलाई, ये देखिए मैंने ये कोना बना दिया, और यहाँ पे कोने के बाद में दो सिलाई बीचों बीच लगा दी। ठीक है, अब मैं बुकरम पेपर लूंगी, ये देखिए, इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 4 इंच और लंबाई इसकी लगभग 19 इंच है, ये देखिए। और इसको मैं डबल फोल्ड कर लूंगी। ये बुकरम मैंने कॉलर कट करने के लिए ली है, इसको डबल फोल्ड करते हुए इसके बीचों बीच सिलाई लगाऊंगी ताकि कॉलर कट करूं तब ये इधर उधर ना दौड़े। ठीक है, देखिए मैंने बीचों बीच सिलाई लगा ली। अब इसका बुकरम का ये एक हिस्सा तो खुला हुआ है और इस साइड वाला बंद है। अब ये बंद साइड वाला जो हिस्सा है इस साइड से मैं नाप लूंगी, जो मैंने तीरे वाली साइड से गला कट किया था उसे 1/2 इंच बढ़ा रखूंगी। गला मैंने 2.5 इंच कट किया था, यहाँ पे मैं 3 इंच रखूंगी, ये निशान 3 इंच पे लगा दूंगी, ये देखिए। और 3 इंच के बाद में इसको इस प्रकार से शेप दूंगी। ठीक है, अब मैं पहले कंधे जॉइंट कर लेती हूँ, ये देखिए कुर्ती का पीछा का भाग और ये आगे वाला, और इनको इस प्रकार से रखते हुए दोनों साइड से कंधे जॉइंट कर लूंगी। ये देखिए मैंने कंधे जॉइंट कर लिए। अब मैं गले का नाप लूंगी कॉलर बनाने के लिए, ये यहाँ से इस साइड वाली पट्टी से नापना शुरू करूंगी और दूसरी साइड वाली पट्टी तक हल्के हाथ से नापूंगी, ध्यान रहे कपड़े को खींचना नहीं बिल्कुल भी। ये देखिए ये मेरा यहाँ पे 16.5 इंच आ रहा है, मैं 16.5 इंच का आधा करूंगी, 8.25 इंच, और मैं इससे जो ये मैंने निशान लगाया था इसको यहाँ से इसी प्रकार से नापूंगी, ये देखिए, और मेरा 8.25 इंच कहाँ पे आ रहा है, ये मेरा 8.25 इंच यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ से मैं ये सीधा निशान लगाऊंगी इस प्रकार से, और इसको कॉलर की शेप दे दूंगी। ये कॉलर की साइज लगभग मैं 1 इंच रखूंगी, ये देखिए, आप नाप के भी निशान लगा सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, अब मैं इसको कट कर लूंगी, देखिए मैंने कॉलर को कट कर लिया है। अब जो ये मैंने बीचों बीच सिलाई लगा ली थी इसको हटा दूंगी,
ये देखिए, और इसको सीधा कर लूंगी, ठीक है। अब मैं सूट के मैचिंग का कपड़ा लूंगी और इस कॉलर को यहाँ इस प्रकार से रखूंगी, ये देखिए, और इसको इस प्रकार से मोड़ते हुए आप प्रेस से भी चिपका सकते हैं या फिर किनारी की सिलाई लगा सकते हैं। मैं किनारी की सिलाई लगाऊंगी, ठीक है। ये देखिए, मैंने किनारी पे सिलाई लगा ली और बधा हुआ कपड़ा निकाल दिया। इस साइड से भी मैंने ये ज्यादा बड़ा कपड़ा था वो निकाल दिया। अब इसी साइज की मैं एक पट्टी और लूंगी, ये देखिए मैंने पहले से ही कट कर रखी है, और इसको इस पे इस प्रकार से रखूंगी, ये देखिए। इस प्रकार से रखते हुए बिल्कुल बुकरम के पास पास सिलाई लगाऊंगी, बिल्कुल बुकरम की पास से, ठीक है। और सिलाई मैं यहां से शुरू करूंगी, और ये दूसरी साइड वाला जो कोना है यहां तक सिलाई लगाऊंगी, ठीक है। ये देखिए, मैंने सिलाई लगा ली और छोटे छोटे कट भी लगा दिए। कट के साथ ध्यान रहे, सिलाई ना कट जाए। अब मैं इसको सीधा करूंगी, इस प्रकार से, और मैं इन पट्टियों को बराबर बराबर मिलाते हुए यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी, ठीक है, ताकि ये हिले भी ना और सिलाई यहाँ से ये ऊंची नीची ना दिखे, ठीक है। देखिए, मैंने सिलाई लगा ली। अब मैं कुर्ती वाला हिस्सा लूंगी, और कुर्ती वाले हिस्से को मैं उल्टी साइड से रखूंगी, और इसको यहां से जो ये बधा हुआ कपड़ा है इसको कुर्ती वाले उल्टे हिस्से पे रखते हुए इस प्रकार से, और यहां से सिलाई लगाऊंगी, ठीक है, और कुर्ती के इस साइड तक सिलाई लगा लूंगी। ये देखिए, मैंने सिलाई लगा ली। अब मैं इसको सीधा करूंगी, अब कुर्ते को सीधी साइड करूंगी, ये देखिए, और इसको इस प्रकार से अंदर डालते हुए ये सिलाई लगा दूंगी, ठीक है, सिलाई किनारी पे लगाऊंगी। ये देखिए, मैंने सिलाई लगा ली, और ये तबीजी वाला गला बनके तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।